जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। सिर्फ सरकार भवन पर आप बैठे हुए नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं, आप डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम किसान हैं या नहीं है, हम खेती करते हैं या नहीं है। तो आप किसान हैं या नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ माँ बहनें उधर से हल्ला कर रही थी, मैं उधर वहां बैठा हुआ सुन रहा था। तो हल्ला नहीं कीजिए, आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा दो कदम आगे चलना होगा। कोई अब मूर्ख नहीं रह गया है। सरकार जितनी भी योजनाएं बना रही है आपके घर तक नहीं पहुंचाएंगी सरकार। आपको खुद तेज बनना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जो सजग व्यक्ति हैं, आपके समाज में सभी लोग मूर्ख ही नहीं है, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, आप उनके पास जाएं और क्या क्या योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप किसान हैं या नहीं है। कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, इंटरनेट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग करवा लिए हैं वो तो किसान बन गए हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, आप किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाइए, आधार नंबर ले लीजिए, बैंक का अकाउंट ले लीजिए और अपना पूरा डिटेल्स लेके जाइए। आप उनको बताएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बदले में मात्र 30 रुपया उनको दीजिएगा। 30 से अधिक अगर मांगा जाएगा तो किसी और कंप्यूटर वाले को दे दीजिएगा, क्योंकि डीजल के 150 के लिए आप लोग लड़े हैं। तो आपको 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं करना है, मात्र 30 रुपया रजिस्ट्रेशन में लगता है। और फिर जो भी योजना का लाभ लीजिएगा उसके लिए फिर 30 रुपया आपको लगेगा, बाद में जो भी योजना आएगी उसकी जानकारी लीजिए। तो एक किसान के रूप में मैं आप लोगों को कुछ मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। पहले जमाने में हम लोग परंपरागत खेती पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। आज के बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो आज भी परंपरागत खेती पर लगे हुए हैं। खेत को जोत दो, उसमें डीएपी पोटाश यूरिया डाल दो और बीज को बो दो। जमाना बदल गया है। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बने थे और आज मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं। दोनों आदमी तो प्रधानमंत्री ही थे, लेकिन नेहरू जी में और मोदी जी में अंतर आ गया है। समय साल बदल गया है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आप अंदाज कीजिए, पहले लोग गोबर गुआ खेत में डाला करते थे और आज हम लोग क्या डालते हैं? डीएपी पोटाश यूरिया डालते हैं। तो डीएपी पोटाश यूरिया की तुलना मैं दारू से करता हूं। कोई आदमी जो दारू पी के आता होगा देखते हो